यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है बहुत ही स्मॉल छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। एक्चुअली मार्केट ही इस तरीके से आज पूरा दिन बिहेव किया, इट्स ए वेरी वेरी साइडवेज डे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं क्या हो रहा था मार्केट पे। आप एक देखेंगे तो यहाँ पर रेंज बहुत लंबा था, कल का दिन का जो हाई था यहाँ पर बैठा हुआ था और कल का दिन का जो लो था जो यहाँ पर बैठा हुआ है। तो क्या होता है मार्केट है दोनों के बीच में ओपन होता है। तो जैसे मैं बोलता हूँ अगर दोनों के बीच वाली मार्केट है तो देयर इज नो ट्रैप, राइट? कोई भी ट्रैप नहीं है यहाँ पर। तो अगर ट्रैप नहीं है यहाँ पर तो क्या करना है, हमें हमें वेट करना है थोड़ा बहुत ट्रैप मिलने के लिए। तो पहला जो ट्रैप मुझे मिलता है भाई ठीक इस एरिया के आसपास, अब अगर देखने की कोशिश करोगे ठीक यहाँ पर जाओगे ना तो मार्केट क्या करता है, हम लोगों का जो इस वाली लो थी यहाँ से मार्केट एक अपर साइड वाली मूव देता है। तो यहाँ से मेरे को एक छोटा मोटा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है, लेकिन क्या करता है मार्केट फिर घूम के आके पूरा ट्रेलिंग एसएल हिट कर देता है। फिर क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ पर एक जो सेल साइड वाले ट्रेड लिया था ठीक इस एरिया के आसपास सेल साइड वाले ट्रेड लिया था, वो भी घूम के जाके ट्रेलिंग एसएल हिट कर देता है। सो कुल मिलाकर मार्केट जो है एक साइडवेज फेस पर फंसा हुआ है, एक साइडवेज एरिया पर ही पूरा अप डाउन कर रहा है। अगर देखा जाए तो सिंक्रोनाइजेशन बात अगर आप अगर निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी कर रहा है क्या, ये जो उसका प्रीवियस डे का जो जोन था ना, जो आवरली जोन था उसके ऊपर जाके वो कंसोलिडेट कर रहा है। और सेम टाइम पे अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी जो कल का दिन का जो जोन था, ये जो जोन अवेलेबल था जहां पर बायर का सबसे ज्यादा प्रेशर था, उस जोन के नीचे आके बिहेव कर रहा है। तो इसमें क्या है भाई, इसमें जो जरूरी है सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, जिसके वजह से क्या इस तरीके का साइडवेज डे देखने के लिए मिल रहा है। सो इस तरीके से कैपिटल सेव भी आपको करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।